हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला जॉन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने नॉइस कंपनी का जो स्मार्ट वॉच है उस स्मार्ट वॉच में हम अपना खुद का जो है फोटो को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टम वॉलपेपर को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर नॉइस कंपनी का स्मार्ट वॉच है और इसमें मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर खुद का एक कस्टम वॉलपेपर जो कि मैंने कस्टम अपना खुद का फोटो यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास भी नॉइस का स्मार्ट वॉच है और आप भी जो है अपने स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फोटो लगाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना और वीडियो पसंद आने के बाद आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आपका हम यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आपका जो मोबाइल फोन है उसको ओपन कर लीजिए। मोबाइल फोन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे नॉइस फिट जो एप्लीकेशन है इसको आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अगर आप लोगों के पास नॉइस कंपनी का स्मार्ट वॉच है तो ये एप्लीकेशन आपके फोन में होगा ही, तो इसी एप्लीकेशन की मदद से हम लोग जो स्मार्ट वॉच में फोटो को सेट करते हैं। तो चलो कैसे क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मैं आप लोगों को शुरू से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को जैसा आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होता है माय डिवाइस पे। जैसे माय डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आपका जो वॉच का जो पूरा डिटेल वहाँ दिख जाएगा कि कनेक्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मेक श्योर ये करना है कि यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ है उस पर आपका वॉच का जो नेम है वो शो कर रहा है या नहीं, मतलब वो कनेक्ट है या नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा जो वॉच है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो फोटो को सेट करेंगे तो एक बार में ही सेट हो जाएगा। होता है क्या है कि जो है बहुत सारे यूजर्स का जो फोटो सेट नहीं हो पाता है, रीज़न ये होता है कि उसका जो है मोबाइल से उसका जो स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप लोग कनेक्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को वॉच फेसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस आ जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कस्टम वगैरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस है जो कि आप अपने वॉच पे लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा कस्टमाइज वॉच फेसेस, ये जो लिखा हुआ है इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैमरा और गैलरी। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना होता है गैलरी पे। जैसे आप गैलरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका जो गैलरी का पूरा फोटो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं आया, एक बार और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। यहाँ पे हम लोग सिंपल से गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे जितना सारा भी फोटो आपके फ़ोन में सारा फोटो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी फोटो का आप लोगों को लगाना है उस वाले फोटो को आप लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलो मैं यहाँ से एक फोटो को ढूंढ लेता हूँ कोई सा भी। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फोटो जो है लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद ये देख सकते हैं ये फोटो हमारा आ चुका है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दो फिंगर से इस तरीके से ट्रैक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से जूम हो चुका है। जितना आप लोगों को यहाँ पर फोटो लगाना उतना आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ये जो साइनिंग का बटन है, सॉरी ये जो साइन का बटन है जो टिक मार्क है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को प्रीव्यू दिया जाएगा कि ये जो फोटो है वो लगने के बाद कुछ इस तरीके से आपके स्मार्ट वॉच में दिखेगा। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये इसी तरीके से दिखेगा। आपने रिव्यू प्रीव्यू तो देख लिया। अभी यहाँ पे आप लोगों को अपडेट वॉच फेस जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो वॉच है वो अपडेट होगा और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका जो वॉच है वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। आपका जो फोटो है वो आपके जो वॉच में लग रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही फ्रेंड्स आपके स्मार्ट वॉच में आपका जो खुद का फोटो है वो सेट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स फाइनली हमारे यहाँ पे देख सकते हो वॉच फेसेस में हमारे यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो चुका है और खुद का हमारा जो फोटो है वो हमारे स्मार्ट वॉच में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लग चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यूज़ करके आप लोग भी अपने नॉइस के स्मार्ट वॉच में आप अपना खुद का फोटो को जो है सेट कर सकते हो, कस्टम वॉलपेपर को आप लोग लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूं जो कि आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।